इंदिरा गांधी के जमाने से चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, गरीबों की आंख में धूल झोंकते थे और चुनाव जीतने के खेल खेलते थे। लेकिन जब से एक गरीब मां का बेटा इस देश के गरीबों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तब से कांग्रेस पार्टी ने गरीबों का नाम लेना बंद कर दिया। उनको पता चला कि अब गरीबों के आंख में धूल झोंकना संभव नहीं है। अब कांग्रेस वालों ने ऊपर से नीचे तक, लोकल हो, देसी हो, विदेशी हो, इधर से हो, उधर से हो, समझ हो या ना हो, चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है, जो आलू में से सोना पैदा करने के लिए सोचते हैं, वे आज दिन रात किसान 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 बोलना शुरू किया है। किसान का कर्ज, उस पर राजनीति कर रहे हैं, वोट पाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये तो जवाब दो कि आजादी में 70 साल में सबसे अधिक समय कांग्रेस ने राज किया, उसमें भी एक ही परिवार ने राज किया, आपने ऐसा क्या किया कि मेरे देश का किसान कर्ज में डूब गया, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 70 साल में आपने जितना समय राज करने का मौका मिला, ये किसानों की तरफ थोड़ी सी भी नजर की होती तो मेरे किसान भाई बहनों का आज ये हाल न हुआ होता।